तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और हमारे प्यार में कितनी शक्ति है। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्ति क्यों नहीं काम कर रही? मेरी शक्ति को क्या हुआ? बिल्लो बुआ, तुम्हारा समय यहाँ खत्म हो चुका है। तुम्हारा खेल खत्म बिल्लो बुआ, क्योंकि अब भगवान भी हमारे साथ है। अब छोड़ मेरी लवली को और निकल जा यहाँ से। बुआ छोड़ दो हमारी लवली को और चली जाओ हमारी जिंदगी से। नहीं नहीं, मैं लवली को नहीं छोड़ूंगी। देख लेना तुम लोग। तेरी इतनी हिम्मत? पकड़ो उसे, पकड़ो, मुझे छोड़ो। तेरा अंतिम समय आ गया है। आज तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलेगी। ऐसी सजा जो आज तक किसी को नहीं मिली।
लवली को होश आ रहा है। लवली तुम ठीक हो? भाभी, भाभी अगर आप नहीं होती तो मैं नहीं बच पाती। थैंक यू। नहीं बेटा, बस अब तुम बहुत रो चुकी। अब हम तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ खुशियां देखना चाहते हैं बहू। मासा, आपने मुझे बहू कहा? तुमने अपनी जान पर खेलकर हमारी लवली की जान बचाई। अब हम तुम्हें बहू नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मासा, आपने इस अनाथ को अपने बहू के रूप में स्वीकार करके एक नया जीवन दिया है। मैं इस परिवार की खुशियों के लिए जो कुछ भी करूं ना, कम है। विदेश्वरी जी, पता है आज से लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सा? मिसेस कौशिक की 5 नहीं 6 बहुएं। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि हमारी दोनों बहुएं सही सलामत हैं। इस घर से बुराई का साया बिल्कुल हट गया है और अब घर में सब कुशल मंगल। हाँ सब, तो सब इसी तरह कुशल मंगल रहे, घर में सुख शांति बनी रहे, इसलिए घर में शुद्धिकरण पूजा और शांति पाठ कराना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है। आपने बिल्कुल ठीक कहा मासा, हम भी यही चाहते हैं। भगवान की भक्ति से मन शांत हो जाता है। हाँ मासा, वैसे भी हमारे परिवार ने बहुत कष्ट देखे हैं, अब और कोई कष्ट ना देखे बस यही प्रार्थना करना चाहते हैं। हाँ, ताकि हम सब खुशी खुशी जीवन भर साथ रह सके। तो देर किस बात की? अब मासा, हम लोग कल ही शांति पूजा रख ले। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा तुम दोनों अपनी तबीयत का ख्याल रखना। अरे मासा, आप फिक्र मत कीजिए, अब हम दोनों ही बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, सब सुन लो, ये तय हुआ। भाई देखिए, कल घर में पूजा होगी, घर के सारे मर्द अपने अपने काम से छुट्टी लेंगे, ठीक है? बिल्कुल पापा, मैं तो सोच रहा हूँ अपना फोन वोन ऑफ कर देता हूँ और कल आराम से अपनी छुट्टी एंजॉय करता हूँ, वरना पता चला बार बार फोन बज रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? लगता है इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, मैं निकल रहा हूं। क्या हुआ शिबू बेटा, ऐसा क्या फोन आ गया जो तुम इतना गुस्सा हो रहे हो? मासा बात ही कुछ ऐसी है, शिवीर पाप की बिगड़ी औलादे, दो लड़कियों ने FIR लिखवाई इनके अगेंस्ट, उन्हें आते जाते छेड़ते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखना। मैं जानता हूं उनके साथ क्या करना है। आप जाइए, अब आप लोग भी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। विदेश्वरी, क्या यही तरीका है तेरा अपनी बहन से रिश्ता निभाने का? नहीं नहीं दिशा, दिशा की दिशा,
तुम्हें क्या पड़ी है मेरी? इतने सालों में तुमने कभी खबर ली है मेरी? कभी खबर ली है कि मैं जिंदा हूं कि मर गई? नहीं दीसा, ऐसा मत कर। हम तो कमरे में हैं। इसका मतलब हम सपना देख रहे थे। कितने सालों के बाद दीदी सा को देखा, पर इस सपने का मतलब, हे भगवान, कहीं दीदी सा को कुछ हो तो नहीं गया? बिला वजह परेशान हो रही मिंदेश्वरी जी, भूल भी जाइए उस सपने को। अरे सपने भला कभी सच होते हैं क्या? बाबू साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मासा। अब मासा, मुझे लगता है कि आपको उनकी बहुत याद आ रही होगी, इसीलिए आपको सपना आया होगा। हाँ मम्मी जी, ऐसा होता है। जिसके बारे में आप बार बार सोचो ना, वो सपना बनकर आपके सामने आ जाता है। हम आपकी बात समझ भी रहे हैं और आप लोगों की बात से सहमत भी हैं, पर अब कैसा पर विंदेश्वरी जी? काश सा हम उनसे मिल पाते तो कितना अच्छा होता। तो मासा आप मिल लीजिए, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? हाँ मॉम जी, दिक्कत तो है ना लवली, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। बहुत साल पहले वो संसार की मोह माया त्याग कर किसी आश्रम में चली गई थी। उसके बाद उन्होंने कभी भी किसी से कोई संपर्क ही नहीं रखा। तो इसका मतलब है कि ना आपके पास उनका कोई पता ठिकाना है और ना ही कोई फोन नंबर। लेकिन हमारा पता तो उनके पास है। मैं देखती हूँ। क्या बात है लवली बेटा? मासा, लगता है आपका सपना सच हो गया है। क्या? आपको आपकी बड़ी दीदी की बहुत याद आ रही थी ना, तो वो आ रही है। क्या? अरे वाह 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 वाह। घर पर आ रही है? हाँ मासा, वो सीधा इलाहाबाद की कुंभ के मेले से यहाँ कौशिक निवास आ रही है। अरे वाह वाह वाह। और इसमें लिखा है कि वो, ओह गॉड, वो तो आज ही आ रही है। अरे वाह, दीदी सा आज ही आ रही है। अरे लेकिन सा, हम तो भूल ही गए। क्या हुआ मम्मी जी? आज ही हमने घर में शांति पाठ की पूजा रखवाई है। अच्छा है ना, ये तो शुभ हुआ। नहीं नहीं, आप लोग दीदी सा के बारे में जानते नहीं। दीदी सा बहुत ही धार्मिक विचारों की है। पूजा एकदम सलीके से होनी चाहिए, एकदम सही ढंग से। अगर पूजा गलत हो गई या पूजा में कुछ ऊंच नीच हो गई तो वो इतना गुस्सा हो जाएंगी कि आप लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हाय रब्बा, हम पूजा में गलती करने वाले को एक बार माफ कर सकते हैं, लेकिन दीदी सा कभी भी माफ नहीं करेंगी। क्या बात करिए विंदेश्वरी जी, आपसे भी एक कदम आगे। मासा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब कोई गलती नहीं होने देंगे। हाँ मासा, हम उनको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। मासा मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है उनसे मिलने के लिए। हम उन्हें बड़ी सा कहेंगे ना मासा? हाँ मासा, और बताइए ना उनके बारे में कुछ।
क्या क्या करती हैं वो? दीदी सा हमसे उम्र में नहीं बल्कि कर्म में भी हमसे बहुत बड़ी हैं। ना वो कभी गलत सहती हैं और ना ही कभी गलत करती हैं। वो तो सच्चाई और पवित्रता की मूर्ति हैं। और उनके अंदर जो सबसे बड़ा गुण है वो है उनकी पारखी नजरें। वो दूसरों को देखकर पहचान जाती हैं कि उनके अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। वाओ, इसका मतलब तो वो बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होंगी ना, और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा ना। हाँ, वो अपना ज्ञान केवल अपने तक सीमित नहीं रखती हैं, बल्कि सब में बांट देती हैं। वो कहती हैं कि पृथ्वी पर 7 बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, अभिमान। इंसान को इन 7 बुराइयों से दूर रहना चाहिए। फटाफट काम खत्म कर लेते हैं, फटाफट सबके लिए नाश्ता बना लेते। हाँ, नाश्ते के बाद फिर शांति पूजा की तैयारी भी शुरू कर देते हैं। हाँ? हाँ, और बड़ी सा किसी भी वक्त आ सकती है। हाँ। कुछ नहीं, ये अजय बेटो जी तब पानी पीने के लिए आए थे। हाँ अजय, पता है मासा जी क्या बोलती हैं? अजय मासा जी बोलती हैं खाली पेट कभी पानी नहीं पीना चाहिए। तो बेटो जी ने बोला 2-4 फ्रूट खा लेते हैं, है ना? ओह अच्छा 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 2 और 4 मतलब ये कुल मिला के हुए 6 है ना? तो भर गया ना अब आपका बिट्टू जी। अब पानी भी पी लीजिए। क्यों बिट्टू भाई साहब? वो भी अगर स्टमक अलाउ करता हो तो। सिर्फ 2-4 के लिए बैठे अच्छे नहीं लग रहे। आपका क्या ख्याल है बिट्टू भैया? तो मासा ने 7 बुराइयों के बारे में कुछ कहा था ना? मुझे लगता है कि बिट्टू भैया को खाने का लोभ हो गया है। लोभ? अजय बिट्टू जी का भूख इतनी लगती है, पेट इतना बड़ा है बिट्टू जी का। अजय ये ना औरतें ना ये हंसी ठिठोली करती है, अच्छी नहीं लगती है। हाँ अजय जल्दी से नाश्ता बनाओ बिट्टू जी के लिए। अजी जी बिल्कुल। रिया मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, चलो। आदि सुनो तो, आदि रुको। इसे क्या हुआ?